हाय फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज एक्सेल में हम लोग सीखेंगे कि उसको कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें ऐड करने के लिए मैंने जोड़ने का प्रोग्राम हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कैसे जोड़ा जाता है, एडिंग कैसे करेंगे उसको हम लोग एक्सेल में हम लोग देखेंगे। और आप लोग देख रहे हैं ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन देवघर। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपको कुछ नया जानना है तो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसके बारे में मैं बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, आते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में। ठीक है, देखिए ये प्रोग्राम मैं बना करके रखा हूँ कुछ। ये मेरा प्रोग्राम एक्सेल शीट ही खुला हुआ है, एक्सेल शीट में मैं ये एक छोटा प्रोग्राम बना के रखा हूँ। ठीक है, इस प्रोग्राम में मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने का तरीका मैं बताने वाला हूँ आज, सिर्फ ऐड। आज ऐड के बारे में सिर्फ जानेंगे कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐडिंग करने के लिए हम लोग पहले सबसे पहले एक सिंपल तरीका क्या करते हैं, इसमें इज इक्वल टू, जहाँ पर आपको टोटल करना है वहाँ पर इज इक्वल टू का देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू देने के बाद जिस बॉक्स को आपको ऐड करना है उसको क्लिक करते हैं, फिर प्लस का सिंबल देते हैं। ठीक है, फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर से प्लस का सिंबल देते हैं, फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर से प्लस का सिंबल देते हैं, फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर प्लस देते हैं, फिर से इसको सेलेक्ट करके फिर प्लस देंगे, फिर इसको सेलेक्ट करके फिर प्लस देंगे, फिर इसको सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। ठीक है, देखिए ये टोटल जोड़ दिया मेरा। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा लेंथी प्रोसेस। ठीक है, अब शॉर्ट तरीका, ये पहला तो तरीका सीख गए और उसी तरह सबको को ऐड करना है तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, देखिए सब जुट गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया लेंथी प्रोसेस। ये नीचे वाला तो शॉर्ट तरीका सब में आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे शॉर्ट प्रोसेस से कैसे करेंगे तो पहले ये सब मैं हटा दूं। ठीक, शॉर्ट प्रोसेस से कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला ये हो गया, दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, बराबर दे दिए। ठीक है, यहाँ क्लिक किए, ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद शिफ्ट दबा के रखे, सेलेक्ट करते गए, सेलेक्ट करते गए, यहाँ तक कर दिए। ठीक है, इंटर कर दे, अच्छा सम नहीं लिखे थे, सॉरी, यहाँ सम लिखना पड़ता है। यहाँ लिखना है बराबर देना है, यहाँ सम लिखना है, एस यू एम, सम। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट का सिंबल देना है, उसके बाद यहाँ जो सेलेक्ट किए इसको शिफ्ट दबा करके इसको ऐसे 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 करके पूरा सेलेक्ट कर लेंगे एरो से। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे, देखिए ऐड कर दिया। ये हो गया सेकंड तरीका। अब दूसरा तरीका और इससे भी ज़्यादा शॉर्ट, एकदम मैं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा भाई। ठीक है, और पहला ट्रिक में आपको मैंने ये बताया कि इस जगह जैसे ही कोने में आते हैं डबल क्लिक करते हैं तो हो जाता है। ठीक है, दूसरा इसमें ट्रिक है, इस कोने के पास जब आते हैं तो यहाँ प्लस का सिंबल ही बनता है, उसको क्लिक करके रखिएगा और पकड़ के घिर दीजिएगा। ठीक है, सारा जोड़ देगा। ठीक है, दोनों तरीका मैंने बता दिया, चलिए अब भाई और इससे शॉर्ट क्या होगा। और इससे शॉर्ट क्या होगा सोचिए,
मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, उतना क्यों सोचना, मैं बताता हूँ, है ना। ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन में आलोक है सिखाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। अल्ट प्रेस करके दो बार इक्वल टू दबा दीजिएगा, जल्दी ऐड हो गया ना। अल्ट प्रेस करके दो बार इक्वल टू जल्दी दबा दीजिएगा, देखिएगा तुरंत एक सेकंड में जोड़ देगा, वेट नहीं करने का, ठीक है। इसको यहां पर क्लिक कर दीजिएगा, जुड़ गया, क्लियर है। ऐड करने का सिंपल तरीका है ना। और ओ सॉरी, पहले एक तो मैंने आपको वो तरीका बता दिया था, इसमें मिस्टेक, कोई बात नहीं, हो जाती है छोटी मोटी गलतियां, बैक स्पेस दबा गया था इसीलिए। चलिए अब ये तो हो गया, एक तरीका से मैंने बता दिया, अब इसको भी सब में सेम लाना है, तो सेलेक्ट कर लेंगे इसको, यहाँ पर कंट्रोल डी दबा देंगे, हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसको डबल क्लिक हो जाता है, गड़बड़ घोटाला हो जाता है। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ क्या मैंने किया आप लोगों को, मैंने करने से पहले मैं बताया नहीं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है, सबको को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस डी दबाना है, कंट्रोल प्लस डी, शॉर्ट तरीका ये भी, ठीक है। सारा हो गया ना, वो ऊपर वाला ऐड रहेगा तभी होगा, याद रखिएगा, फर्स्ट वाला ऐड होना जरूरी है, तभी नीचे वाला सारा ऐड करता है, ठीक है। तीन तरीका तो हो गया। अगर इस कॉलम में, सपोज दैट मुझे इस कॉलम में यहां पर ऐड अगर करना होता तो कैसे करते, एक और तरीका मैं बता दे रहा हूं। यहां पर मुझे टोटल इसका जोड़ना है, तो इज इक्वल टू की सम लिखना है, SUM सम, ठीक है, ब्रैकेट किए। अब देखिए ये कौन सा कॉलम में है, तो आई कॉलम में है, ये देखिए ये आई में है, ये जो दिख रहा है आई है ना, आई है, आई का कौन सा है, तो आई का ये थ्री वाला जो कॉलम है ना, ये थ्री लिखा हुआ, थ्री लिखा हुआ देख रहे हैं, थ्री का आई है ना, तो इसको हमको यहां लिखना है आई थ्री, ठीक। देखिए वहां अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें हम ये सिंबल देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट कौन सा है, मेरा आई का एट है, ये जो 50 वाला है आई का 8 है, देखिए है ना, तो यहां पर लिखेंगे आई का 8, ठीक है। देखिए वहां तक सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, देखिए उसका जोड़ दिया ना पूरा, ठीक है। मैं आपको एडिंग का सिर्फ बता रहा हूं, सिर्फ ऐड, आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ ऐड के बारे में ही जान रहे हैं। अब यहां से यहां तक पूरा ऐड अगर करना है तो सिंपल तरीका आपको बताए हैं, सिंपल है ना, ठीक है। तो हम लोग ऐड करना आज सीख गए हैं एक्सेल में। तो हम लोग फ्रेंड्स आज ऐड करना सिंपल तरीका से हम लोग सीख गए हैं, सिंपल बड़ा तरीका भी सीख गए हैं, स्मॉल तरीका भी सीख गए हैं, लेकिन हम लोग ऐड करना एक्सेल में ऐड करना सीख गए, ठीक है। और आप लोगों को कुछ और सीखना है या जानना है या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अभी हम एक्सेल के बारे में
अगले नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप ऐड करना सीखे हैं, फिर माइनस करना सीखेंगे, प्लस करना सीखेंगे, परसेंटेज निकालना सीखेंगे, बहुत ऐसा चीज है। एक्सेल बहुत बड़ा फॉर्मेट है, मैं एक बार में अगर वीडियो बनाना चाहूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट ही बना पाऊंगा, छोटा छोटा करके बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, फिर मिलते हैं। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा आप। ये आप लोगों का प्यार है जो मैं अभी तक इतना दूर तक पहुंचा हूं और आगे तक पहुंचने का कोशिश कर रहा हूं, और आगे आप लोग बढ़ा पाइएगा तो बढ़ा दीजिए, अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।